तुमको मैं बताना चाहता हूँ, नारजी ने अभी जो वीडियो दिखाया, एक्चुअली 2 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मैं ऑफिस में जा नहीं पाया था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, जो भी मुझसे पॉसिबल हो उतना एफर्ट लगा के काम कर रहा था। लेकिन क्या होता है सर, कि नारद जी ने अभी बताया कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम होना चाहिए, हमेशा एक राइट माइंडसेट होना चाहिए, उसी तरह से मेरे स्टाफ मेंबर का, मुझे एमडी सर का, स्टाफ मेंबर का इतना बढ़िया सपोर्ट हमेशा मिलता है कि अगर हम कभी भी अवेलेबल ना भी हो तो हमेशा रिप्लेस में कोई ना कोई आदमी हमेशा उसको बैकअप में ले लेता है, लेकिन कंपनी का काम कभी भी नहीं रुकता। पिछले 1300+ दिन हो गए हम डेली पे आउट में काम कर रहे हैं, और यही अभी नारजिक ने बिल्कुल सही कहा कि ओनली पॉजिटिव माइंड। ओके, ओनली पॉजिटिव माइंड होने के कारण पॉसिबल हो सका दोस्तों। मेरा नाम अभी पीछे है, मैं कंपनी में एज एडमिन डायरेक्टर काम करता हूँ, और कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उसके ऊपर का देख रहे, लोगों का पे आउट का देख रहे, सभी चीजें हमेशा एमडी सर और हमारे अंडर रहती है। ओके दोस्तों, इंट्रोडक्शन का पार्ट तो हो गया, नारद जी अभी ज्यादा टाइम हम ना लेते हुए आगे बढ़े। यस कंटिन्यू। तो सर कुछ कुछ सवाल आए थे हमारे टीम से और बहुत सारे लोगों का कि व्हाई सोमनी लाइफ कंपनी, क्यों कंपनी ये करे, सोमनी लाइफ क्यों करे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी क्यों करे? यस यस यस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि भाई मार्केट में इतने सारे कंपनी का भड़ीमार पड़ा है लेकिन हम सोमनी क्यों चूज करें। इस पॉइंट से आने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो ऑलरेडी आपको पता है कि 2019 में कोविड एक ऐसा सिचुएशन इंडिया में आ गया और वर्ल्ड में आ गया कि उसने पूरे मार्केट को बिगाड़ा। अच्छे खासे लोगों के जॉब चल रहे थे, अच्छे खासे लोगों के बिजनेस चल रहे थे, क्या हो गया, टाटा बाय बाय गुड बाय, ये पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का मार्केट। तो कई लोगों में पैशन था, जुनून था, कुछ करने की आस थी, कई लोग नए नए बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट कर चुके थे, कुछ लोग जॉब पे जुड़ गए थे, कुछ लोग अच्छी अच्छी सैलरी ले रहे थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब क्या, मेरे अंदर तो जोश है, जुनून है, पैशन है, सभी चीजें, लेकिन प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा ना। रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया था, अक्षय, उसको 26 लाख का आईटी में पैकेज था। एक दिन रिसेंटली मुझे फोन आया कि भाई अमित ये प्रॉब्लम, क्या हो गया यार, वैसे ऐसे कंपनी में एज ए टीम लीडर में काम करता था, कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अभी कंपनी बोल रही है कि भाई आप क्विट करो, हमारे पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं। तो अब बताइए दोस्तों, अगर कोई बंदा कंपनी में पिछले 3-4-5 साल काम कर रहा है, अच्छा खासा इनकम ले रहा है, और उसके ऊपर पूरा उसका परिवार डिपेंड है, अभी कंपनी क्या बोल रही है, गुड बाय। सभी जगह पे यही हाल है, कुछ लोगों ने रिसेंटली नए बिजनेस ओपन किए थे, उन बिजनेस का हाल क्या हुआ, बहुत ज्यादा खर्चा डाला लेकिन कोविड 19 लग गया, बिजनेस खत्म, पूरे लोग रोड पे आ गए, कोलैप्स हो गए। एक ही सबके सामने प्रॉब्लम थी कि मनी पैसा कहाँ से खड़ा किया जाए। लाइफ में सक्सेस तो हर किसी को होना है, राइट दोस्तों, लीडर्स, सक्सेस तो हर किसी को होना है, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, सक्सेस यानी क्या होता है? कई लोगों का मानना होता है मैंने गाड़ी ले लिया, मैंने बंगला ले लिया, मैंने घर ले लिया, सक्सेस हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडिया टुडे सर्वे, रिसेंटली इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था इंडिया के सभी लोगों का, उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन सभी को पूछा कि व्हाट इज द सक्सेस, सेम आंसर, गाड़ी, बंगला, घर, शादी, परिवार, यही। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग थे, उन्होंने 25% आंसर ऐसा दिया कि उन्होंने 3 चीज में आंसर दिया, पहले ये टोटल 25% लोगों ने आंसर दिया। ओके, अभी 75 लोगों का मैंने बताया, 25% लोगों ने आंसर दिया, पहली अगर हमारी हेल्थ अच्छी खासी हो तो ये हमारे लिए सक्सेस, वेरी गुड। दूसरे लोगों ने क्या आंसर दिया कि लोग हमें पसंद करें, हम लोग हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, ये हमारे लिए सक्सेस। और तीसरी चीज, लोग हम फेमस हो जाए, लोगों में बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, ये हमारे लिए सक्सेस। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, लेकिन 75 लोगों ने आंसर दिया कि सक्सेस इज ओनली मनी। ओके, कल ही रिसेंटली मैंने शायद पाकिस्तान नाम का भी स्टेटस देखा था कि पैसा डेटॉल जैसा है, 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, और ये सही है दोस्तों। उन 75 लोगों ने क्या कहा कि जो 25 लोगों ने आंसर किया वो चीज हम पैसे से भी कमा सकते हैं, यानी जब हमारे पास पैसा हो तो हम अच्छे खासे हेल्थ किट लेके हेल्थ अच्छा रख सकते हैं, हम लोगों में फेमस हो सकते हैं और लोग हमसे प्यार भी करेंगे, ये तीनों चीजें इस पैसे से मनी से सॉल्व हो सकता है। ओके, तो लोगों का क्वेश्चन या फिर लोगों के दिमाग में क्या आता है कि भाई लाइफ में अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो हम आगे जाके सक्सेस हो। तो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग मार्केट यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेटेस्ट में आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, इन्हें हमें ये मौका दिया है कि हम कम से कम
इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डेवलप कर सके, ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न कर सके उसको। ओके, फिर भी माइंड में एक सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो बहुत सारे कंपनियां रन करे, कोई जनरेशन प्लान रन कर रहा है, कोई बाइनरी प्लान कर रहा है, मैट्रिक्स प्लान कर रहा है, क्या अलग अलग तरीके के अलग अलग ढेर सारे कंपनियां इंडिया में बनी, तो हम राइट प्लेटफॉर्म कैसे चूज करें। तो अभी आपके आज के सेशन का पहला सवाल था नारद जी से कि वाय स्वामी। दोस्तों मैं अभी आपको स्वामी के पॉजिटिव पॉइंट्स शॉर्टली बताने चाह रहा हूँ कि आप स्वामी लाइफ को क्यों चूज करें, कि स्वामी लाइफ को चूज करना क्यों आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पहली चीज, यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर जीरो है और आपके ऊपर लाइबिलिटी 0% है। दोस्तों ओनली 1600 में आपने खुद का आईडी बनाया, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, ना कि आपको 10,000 रुपए देने हैं, ना कोई 20,000 रुपए देने हैं, ना कोई बड़ा पैकेज देना है, कुछ भी नहीं देना है दोस्तों। सिर्फ 1600 भरो और कंपनी में आप अपना आईडी रजिस्टर करो, आपका बिजनेस ओपन हो गया। ओके दोस्तों, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने ये की, क्योंकि एमडी सर मिस्टर हमारे सुनील कुल जी, जिनको मैं गॉड फादर मानता हूँ, उनका ये मानना था कि इंडिया का 75% क्लास मिडिल क्लास है, उनके लिए हम कोई अगर बड़ा प्लान लॉन्च करके, बड़े पैकेज लॉन्च करके कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अरे बिल्कुल सही चीज, प्लान छोटा होना चाहिए लेकिन उसका आउटपुट बड़ा होना चाहिए। अभी नारद जी को पता है कि 1600 के प्लान से BMW निकाला है, अभी अभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि 1600 के प्लान से क्या होता था। शुरू में हमें लोग बहुत बोलते थे कि भाई आप 1600 का प्लान लॉन्च किया है, 1500 बांट रहे हो, कंपनी बंद पड़ जाएगा, कितने दिन बांटोगे, 90% हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग दे रहे हो तो ये कितने दिन दे पाओगे। तो कोई बोला 2 महीने देगा, कोई बोला 3 महीने देगा, 8 महीने देगा, 1 साल देगा, मैक्सिमम स्वामिनी 1 मंथ 1 साल चलेगा, ऐसा मार्केट से सर्वे निकल के सामने आ गया। आज मुझे बताने में खुशी हो गई दोस्तों, 1300 प्लस दिन हो गए कंपनी को, कंपनी आराम से चल रहे, और चल नहीं रहा कंपनी दौड़ रहा है। आज भी मेरे कुछ कलीग्स कुछ नेटवर्क का स्टेटस देखते हैं, भाई आपका कंपनी चल रहा है, अरे भाई चल नहीं रहा है, स्वामी जी दौड़ रहा है, क्योंकि स्वामी जी का प्लान ही ऐसा एमडी सर ने बनाया है। इस प्लान में कोई हीट सिस्टम नहीं। हीट सिस्टम क्या होता है, कई बार कंपनी का जो इनकम पार्ट है वो जो लीडर लोगों को इनकम बांटना पड़ता है उसे कम हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, उस प्लान में हीट आ जाता है, तो वो प्लान जानबूझ के ही लोगों को फंसाने के लिए बना जाता है। कई बार आपने मार्केट में सुना होगा कि डेली प्लॉट में लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं, मैं अदर कंपनी से कभी टैली नहीं करता, लेकिन लोगों का दिशा बोध ऐसा किया जाता है, लोगों को मिस गाइड किया जाता है कि भाई आओ इधर भी कैरी फॉरवर्ड देते हैं, ये करते वो करते, बिल्कुल पॉसिबल नहीं दोस्तों। मेरा ओपन चैलेंज है उन लोगों को, डेली पे आउट में 90% डिस्ट्रीब्यूशन करके कैरी फॉरवर्ड देना पॉसिबल नहीं है, वो होता है पूरा फेक प्लान, जानबूझ के कंपनी को कुछ प्रॉफिट में निकाल के वो प्लान बंद करने के लिए ही बनाया जाता है, उसमें स्वार्थ होता है एमडी और मैनेजमेंट। लेकिन हमारे मिस्टर सुनील कुछ सी है, उनसे जब मैंने फर्स्ट टाइम मिला था तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि सर ये प्लान कब तक चलेगा, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक स्माइल दी थी और बोली थी भाई तुम एमएससी कंप्यूटर साइंस कर चुके हो तो इस प्लान को एक स्टडी करो और मुझे तुम ही बताओ ये प्लान कब तक चलेगा। दोस्तों लिटरली मैंने उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाल के टेस्ट किया, कमाल का मैजिकल प्लान निकला, स्वामिनी लाइफ एक मैजिकल प्लान निकला। इसमें आप 1 नहीं 10 नहीं 1 करोड़ आईडी भी डालोगे, 10 करोड़ आईडी भी डालोगे तो किसी भी तरह की इसमें हीट नहीं है। तो ये एक एक्सलेंट मैजिकल प्लान करके मार्केट में फेमस हुआ है और अभी किसी को बोलने की जरूरत नहीं हमें पड़ती कि स्वामिनी कब तक चलेगी। जब तक आप काम करोगे, जब उस समय तक स्वामिनी आपको पे आउट देने के लिए सक्षम है, चाहे वो 10, 15, 20, 50 साल कितना भी साल हो देने के लिए सक्षम। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, कि लोग बोलते हैं कि आपने तो ये बात ठीक है सही कही कि आप डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट कर रहे हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट होंगे कुछ क्वालिटी उसमें कम होंगे, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अभी स्वामिनी का हेल्थ पैकेज, एग्रीकल्चर पैकेज हमने मनी बैक रखे, अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं है तो वो प्रोडक्ट हमें वापस दे, यानी क्या हो गया 1600 रुपए में डबल धमाका यहाँ पे क्या हो गया, एक तो आपको 90% बाइनरी भी मिल रहा है प्लस अच्छे क्वालिटी के, वेरी गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको कंपनी अवेलेबल करके दे रहा है दोस्तों। किसी भी तरह के हमने यहाँ पे एक कस्टमर का नंबर भी रखा है कि भाई किसी को कोई प्रोडक्ट या पे आउट से कंप्लेंट हो, जैसे कि नारद जी को भी पता है तो वो वेबसाइट पे जाके वो हमें एक कमेंट डाल सकता है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या है, कंपनी को आगे ले जाने के लिए लीडर स्वीकारने की होता है, कंपनी को नीचे दबाने के लिए भी लीडर स्वीकारने, तो हम हर तरह का सोच विचार करके इस प्लान को लॉन्च किया है। इस प्लान का लाइफ जो है इसलिए जानबूझ के उसका नाम स्वामिनी लाइफ रखा है, जब तक लाइफ रहेगी ये प्लान रहेगा दोस्तों। बाकी रहा लीगल डॉक्यूमेंट्स का सवाल, तो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, सर के पास भी अवेलेबल है,
कंपनी लीगल जीएसटी पेड करता है, गवर्नमेंट टैक्स पेड करता है, तो कोई भी तरह का रिस्क फैक्टर हमारे स्वामिनी में मौजूद नहीं। तो मेरा ये वादा है एज अ मैनेजमेंट की तरफ से कि आप स्वामिनी लाइव प्लेटफॉर्म चुनिए, जैसे नारद जी ने कहा कि इसमें एक साथ दो साल मन लगा के काम कीजिए, उसके बाद खुद ही आप हमें रिपोर्ट देने वाले हो कि भाई हम सही प्लेटफॉर्म चुना या नहीं, ये रिपोर्ट खुद आप हमें दो। ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन है और कुछ हमारे टीम पार्टनर से कि व्हाई पीपल फेल इन स्वामिनी लाइव बिजनेस, लोग क्यों फेल हो जाते हैं स्वामिनी लाइव में, क्यों छोड़कर चले जाते हैं? एक्चुअली ये सवाल नहीं आना चाहिए, फिर भी कुछ लोगों का ये जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव माइंड सेट, इसकी बहुत ज्यादा कमतरता रहती है, क्योंकि मैंने अभी प्लेटफॉर्म के बारे में समझाया कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म, भारत का सक्सेसफुल डेली पे आउट वाला प्लेटफॉर्म अगर किसी को मिलता है तो उसके अपने ऊपर सोच विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर दोस्तों आपको एक व्यक्ति से शिकायत है तो आप जरूर उससे बात कीजिए, लेकिन आपको अलग अलग व्यक्ति से, बहुत लोगों से शिकायत है तो आपको खुद से बात करने की जरूरत है। ओके, सबसे यहाँ पे जो हमारा नुकसानदायक थिंकिंग होता है वो होता है हमारा नेगेटिव माइंडसेट और लैक ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। कई बार हम मार्केट में जाते हैं और हमें आईडी नहीं मिलती, तो शाम को ऐसा रोने वाला मुंह बना के, अरे यार आज आईडी नहीं मिला कैसा होगा, ये होता है नेगेटिव माइंडसेट। इसे बोलते हैं रोतलू नेटवर्क। ओके, हमें रोतलू नेटवर्कर नहीं बनना, हमें स्ट्रांग नेटवर्कर बनना। चलो भाई आज आईडी मार्केट से नहीं निकला ना, कल मैं इससे 10 गुना आईडी निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरा बाइनर नहीं बनाना, कल मैं सिल्वर बाइनरी के साथ गोल्ड बाइनरी भी निकालूंगा। ये होता है राइट माइंडसेट, ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए क्या होता है, जब कभी भी जूम मीटिंग हो, जब कभी भी फंक्शंस हो, जब कभी भी कंपनी के सेमिनार्स हो, कितने परसेंट लोग उसको प्रॉपर तरीके से नोट करते हैं? स्वामिनी में फेल्यूर होने की सबसे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जिसके ऊपर आप सभी लोग उसको नोट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है। अभी आप एसएमबी सिस्टम से इतना जबरदस्त तरीके से पूरा जूम मीटिंग चला रहे, फंक्शन चल रहा है, यूट्यूब चला रहे, लेकिन क्या होता है हमारे पास उसका अकाउंट नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी हम बिल्कुल नहीं संभाल सकते दोस्तों। ये हमारा सबसे बड़ा गलती है। प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास होने चाहिए, आज के मीटिंग में हमारे साथ कितने गेस्ट जुड़े, आज के मीटिंग में मेरे साथ मेरे टीम मेंबर कितने जुड़े, आज के मीटिंग में मेरे टीम के साथ जो मेंबर्स जुड़े नहीं है वो क्यों नहीं जुड़े, उनका फॉलो अप होना चाहिए। अगर सपोज आपने एक दुकान खोला, तो अगर कोई ग्राहक शक्कर मांगने, अगर आपके पास शक्कर खत्म है तो आपके रिकॉर्ड रखोगे ना आप उसका कि भाई ये शक्कर मांगना मेरे पास खत्म है, मुझे कभी स्टॉक भरना चाहिए, ऐसे ही बैठोगे, चलो शक्कर नहीं दुकान बंद, शटर उड़ के तो नहीं बेच सकते। वो प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं। वो मोबाइल दुकान का एग्जांपल ले, अगर सैमसंग का कोई पीस की बहुत ज्यादा डिमांड है तो वो दुकानदार पहले ही मंगवा लेता है। ओके, ताकि उस कॉम्पिटिशन के हिसाब से वो मार्केट में टिका रहे, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। हम क्या गलती करते हैं कि कहीं भी किसी भी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखते। अगर मैंने कार खरीदी लेकिन उसमें फ्यूल ही नहीं डाला तो मेरी कार घर पे ही पड़ी रही। इसी तरह हमारे दिमाग को भी बिल्कुल फूड की जरूरत होती है, दिमाग को भी एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए तो वो सिस्टम अरेंज किया जाता है कि मोटिवेशन सिस्टम क्यों अरेंज किया जाता है, वो एक दिमाग की भूख होती है। ओके दोस्तों, तो ये फेलियर होने का कारण क्या है? कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने अपलाइन का नहीं सुनते, कुछ चीजें अपने मन से करने जाते हैं। ओके, कभी कभी उनको इरिस्पेक्ट दे देते हैं, जो भी एजेंडा उन्होंने बताया उसको फॉलोअप नहीं करते और बाद में बोल देते कि मेरा ये नहीं हो पाया, मेरा ये सक्सेस नहीं मिल पाया, मुझे ये प्लान नहीं जम रहा। और एक मैं थिंग बताना चाहता हूँ कि लोग हमारे यहाँ पेशेंस और कंसिस्टेंसी का अभाव कैसे रखते हैं। कल ही प्लान उनको मिल जाए, अगले दिन वो क्या करेंगे, दूसरा प्लान ले लेंगे और बोलेंगे भाई हाँ ये थोड़ा स्वामिनी से अच्छा लग रहा है, इसको मैं करके देख लेता हूँ। उन्होंने ना कोई उसका नॉलेज लिया होता है, ना कोई उन्होंने उसका स्टडी किया होता है, फिर भी लोगों को बातों में आके क्या कर देते हैं, प्लान में डाइवर्ट करने की कोशिश कर देते हैं। दोस्तों बुरा मत मानिए, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर ये प्लान में आप सक्सेस नहीं हो पाए तो किसी भी प्लान में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये इतना इजी प्लान बनाया गया है। इंडिया के 70-80% क्लास वालों के लिए प्लान बनाया गया है कि भाई इस प्लान में जैसे नारद जी ने कहा कि मंथली आप 30,000-40,000 एक लाख बिल्कुल कमा सकते, क्यों नहीं कमा सकते, 5 लाख अभी कमा के दिखा है नारद जी के पास बैंक स्टेटमेंट से, उनके लीडर के पास बैंक स्टेटमेंट से कि भाई स्वामिनी से एक्सेट आया हो पैसा उनके पास कितना है। ओके दोस्तों, तो ये सभी चीजें जो है वो पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होनी चाहिए। ये डायरेक्ट सेविंग इंडस्ट्री का महत्व आज तक किसी भी सीरियस नहीं लिया। अरे भाई समुद्र खुला रखा है हमने आपके सामने, बाटली से निकालो, नल लगाओ या फिर पाइपलाइन लगाओ। अगर दूसरी जगह पे आप दूसरे लोग के लिए 10-10 घंटे काम करते थे, वो भी 10,000-15,000 रुपए के लिए, तो खुद के लिए आप दिन में 5-6 घंटे क्यों नहीं निकल सकते? भाई लोग निकालना पड़ेगा, खुद के ऊपर सोच विचार कीजिए, नॉलेज लीजिए, नए नए सेमिनार फंक्शन अटेंड कीजिए,
और ये माइंडसेट मत रखिए कि मैं नेटवर्क पर हूँ, मुझे सभी चीजें फ्री में मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें आपको पेड में अवेलेबल हो तो बिल्कुल उसको पेड में अवेलेबल करके नॉलेज दीजिए, लेकिन नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके दोस्तों, अभी अदर्स प्लान में डाइवर्ट होना क्यों हो जाता है कि स्वामिनी में अगर महीना भर सपोज अपने अच्छा काम किया और एक समय ऐसा आ गया कि भाई 10-15 दिन आईडी नहीं मिला या फिर कोई आपका एक डाउन लाइन काम कर रही है उसके ऊपर आप डिपेंड रह रहे, ओके, और वो मानो किस कारण बीमार हो गया या फिर वो काम नहीं कर पाए तो आप क्या हो गया, आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर थी, ओके, इसलिए वो फेल्योर आ गया। जिसे सुल्तान फिल्म में बहुत ज्यादा है कि अगर बहुत ज्यादा फेमस डायलॉग है, कोई अगर आपको हरा सकता है तो वो खुद है, ओके, जब तक आप खुद से नहीं हरा सकते आपको कोई नहीं हरा सकता दूसरा। अगर उस बंदे को या फिर आपकी टीम को आप सही मोटिवेशन पे, सही डायरेक्शन पे, पॉजिटिव माइंडसेट पे लेके चलोगे तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, वही टीम आपके लिए दिन में 100, 200, 300, 500 आईडीज का कलेक्शन करेगी और वो कंसिस्टेंसी से करेगी। ओके, दो वर्ड हमेशा दिमाग में रखिए कि स्वामिनी में काम करने के लिए आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको अपना पेशेंस खोना नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी खोनी नहीं है। अगर किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली नारायण साहू सर और उनके एसएमबी सिस्टम पूरे अवेलेबल है, आप उनसे तुरंत बातचीत कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। और सर एक और क्वेश्चन है कि कंपनी को अभी 3 साल हो गए सक्सेसफुल रन करते हुए, तो उनका रीजन क्या है और वाई क्यों रन कर पाए 3 साल तक कंपनी सक्सेसफुल, 3 साल से ज्यादा दिन हो गए कंपनी को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नारजी आपने, 3 साल से ज्यादा समय हो गया कंपनी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। और इसके पीछे एक मेजर वजह जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बैकबोन है वो है हमारा मैनेजमेंट स्टाफ। ओके, यहाँ पे 2019 में हमारे ऑफिस के पास एक फ्लड आया था, बाढ़ आया था, पूरा हमारा ऑफिस पानी से भर गया था, हम इधर से उधर जा नहीं सकते थे, हम ऑफिस से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर रहते थे तो हम ऑफिस नहीं जा सकते थे। तो ये सभी चीजें हमें पता थी कि भाई ये सिचुएशन होने वाला है, तो इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर थे। हमने क्या किया कि सॉफ्टवेयर सिस्टम से, हमारे जो सॉफ्टवेयर टीम उनसे ऐसा एक सिस्टम लगा दिया, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे सिस्टम, जिसके कारण हम कहीं भी रहे, इंडिया में रहे, आउट ऑफ इंडिया रहे, चाहे किसी भी स्टेट में रहे, सिंगल क्लिक से लोगों का पेमेंट डेबिट कर सकते। बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े कंपनी ने पूरी सिचुएशन में क्या किया, कोई किसके लाख बने थे, किसके 2 लाख 3 लाख 5 लाख चेक बने थे, उसको एक सेटलमेंट चेक करके पास कर दिया और निपटा दिया 1 लाख के 2 लाख। लेकिन स्वामिनी ने आज तक ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसका जितना अमाउंट का चेक बना है उसका उतना अमाउंट का चेक उसके अकाउंट पे अगले ही दिन सुबह 8 बजे क्रेडिट होता है कि नहीं लीडर्स? Yes. ना यस yes. और एक उसके पीछे वजह है कि हर एक कंपनी में मेरा 8 साल का नेटवर्क मार्केटिंग और एडमिन का एक्सपीरियंस, तो मैंने पिछले कंपनी में देखा था एमडी लोग क्या गलती करते थे, स्वामिनी नहीं पिछली कंपनी में उसका नाम नहीं लेता, एमडी लोग क्या गलती करते थे कि उनका जो फंड होता है कंपनी के लिए आया हुआ फंड पर्सनल अपने अकाउंट के लिए, पर्सनल यूज के लिए या फिर किसी भी चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमारे एमडी मिस्टर सुनील कुल सर जी का एक नेचर है या फिर उनको एक बहुत अच्छे हैबिट आप बोल सकते हैं कि वो कभी भी स्वामिनी का आया हुआ फंड अदर किसी भी तरह में उसको यूज नहीं करते, यानी उसको बोलते हैं रिजर्व फंड, सेफ फंड। अगर मुझे कंपनी अगर एज अ पेआउट डिपार्टमेंट हमें बांटना है 20 लाख रुपए तो हमेशा 50 लाख रुपए स्वामिनी के अकाउंट पे हमेशा सेफली रहता है, अभी हमें बांटना है 50 लाख तो 1 CR हमेशा रहता है। तो फंडिंग मैनेजमेंट का जो एमडी का नॉलेज चाहिए, जो फंड मैनेजमेंट वाला जो नॉलेज चाहिए या फिर जो भी आप उसको बोल सकते हैं वो क्लियर चाहिए, उसका माइंड सेट क्लियर चाहिए एमडी लेवल। और हमारे मिस्टर सुनील कुल जी का उसमें आप बोल सकते हैं कि वो उसमें मास्टर है, इसलिए हमें कभी तकलीफ नहीं हुआ कि भाई आज पे आउट डालना है और हमारे पास पैसे नहीं, घास से पैसे उठाओ लोगों का पे आउट, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ा। जो फंड होता है रिजर्व फंड हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहता है और इसको ही बोलते हैं कि परफेक्ट प्लान, परफेक्ट फंड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके सर, सर एक और क्वेश्चन कि 5 से 10 साल का ऑलरेडी अभी एजेंडा बना चुके हैं या मास्टर प्लान रेडी कर चुके हैं, तो विजन और मिशन सर क्या है? यस बिल्कुल, कई कंपनी मार्केट में रन करती है लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि कल क्या करना है, लेकिन एमडी सर जो है हमारी कंपनी के, उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली वर्न दिया कि हमारे कंपनी का आगे का 5 साल का 10 साल का एजेंडा भी हमने रेडी किया है और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें। इसमें थोड़ा सा पार्ट में आपको बताना जा रहा हूँ कि स्वामिनी जो है अभी वो टोटल डिजिटल सिस्टम होने जा रहा है, यानी अभी आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें अभी सभी चीजों के लिए आपको अंदर क्लिक करके जाना पड़ता है, बराबर,
तो एक थोड़ा सा उस ओल्ड मॉडल को रिप्लेस करके हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एक सिस्टम बना रहे हैं, ऐसा एक ऐप बना रहे हैं जिसके आप ऊपर क्लिक करते ही आपको टोटल आपका जो फॉर्मेट है, यानी आपका सिल्वर काउंट हो, गोल्ड काउंट हो, सिल्वर मैचिंग, टुडेज मैचिंग, ऑल काउंट, ऑल इनकम सोर्स आपको ऊपर ही देखना शुरू हो जाएगा जिस दिन अभी आप आईडी लॉगिन करते हैं, उससे भी आप समय में आप आईडी लॉगिन कर पाओगे। और उसका डिजाइन व्यू सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में उसको ग्रिड व्यू होती है, ग्रिड व्यू इसका इतना सुंदर बनाया गया है कि मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत कम ही कंपनी के पास उसका ग्रिड व्यू है। वो हमने परचेस भी कर लिया है, उसके लिए काम भी शुरू होंगे आने वाले महीने के अंदर, यानी जुलाई महीना खत्म होने के अंदर आपको वो ग्रिड व्यू आपको नया सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। ये तो रही पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी कंपनी में अगर आईडीज गिर रहे 1 लाख 2 लाख 5 लाख, अभी तक हमने 5 लाख तक हम पहुंचे, लेकिन अभी हमारा ये सिर्फ 1% काम पूरा हुआ है। सभी लीडर्स लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमने अचीवमेंट किया है 1%, अभी 99% अचीवमेंट करना बाकी है। ओके दोस्तों, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक सर्वर, स्ट्रॉन्ग सर्वर चाहिए होता है, उसको बोलते हैं इंडिया और यूएस के बीच का स्ट्रॉन्ग सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर। तो हमने वो डेडिकेटेड सर्वर ऑलरेडी परचेस कर लिया है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम सिस्टम में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ आईडी डालने ही वाले, ये हमें कॉन्फिडेंस है। तो कंपनी का मिशन में ये हमने ऑलरेडी ही वो फिट किया था कि भाई ये सर्वर हमारे पास होनी चाहिए, और इस हिसाब से कंपनी वो सर्वर पे काम कर रहा है, और वो सर्वर बिल्कुल सेफ है, जिससे आपका किसी का भी अकाउंट नंबर या फिर आपका किसी का भी आईएफएससी कोड, नेम, मोबाइल नंबर कुछ भी हैक नहीं हो सकता। कोई भी हैकर्स की वहां पर कोई भी हैकर्स अटैक करे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बहुत ही सिक्योर तरीके से उसको रखा गया है। बाकी एजेंडा और मिशन में हम क्या करें कि टारगेट हमने लेके चला है कि इंडिया की जो भी कंपनी अभी टॉप मोस्ट लेवल पे चल रही है, तो स्वामिनी डेली पेआउट में तो ऑलरेडी सबको बीट कर चुका है, लेकिन स्वामिनी का नाम अभी हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी हमें बनने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या सर्विस चाहिए, कैसे डिजिटल माध्यम चाहिए। अभी सपोज नाराजी काम करे तो नाराजी का डिजिटल सर्विस हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, कि नाराजी का एक डिजिटल आईडी बनाएंगे, उनका डिजिटल वीडियो कंपनी के चैनल से अपलोड होगा, वो सभी व्यूअर्स जो है वो सभी कंपनी के चैनल से आपको सर्च करेंगे, ताकि क्या होगा एक स्वामिनी फैमिली, एक स्वामिनी परिवार पूरे ऑल ओवर इंडिया, और आप इंडिया के बाहर भी बोल सकते हैं, उन लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और एक मैगजीन टाइप का हम कंसेप्ट ला रहे हैं, जो जो अचीवमेंट आप लोग कर रहे हैं, सेमी सिस्टम जो भी अचीवमेंट करेगा वो मैगजीन के तौर पे पूरे इंडिया में प्रकाशित होगा। ओके, हर एक महीने का एक डिजिटल मैगजीन बनेगा जिसका भी वो प्रकाशित होगा हर एक महीने में, हर एक टीम का, एसएमबीसी टीम का, जैसे हर एक हमारे स्वामिनी की टीम का। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये इसके लिए एक अलग सा हमें सेशन लगेगा, लेकिन मैंने आपको थोड़े से इस कम समय में ये हमारे जो एजेंडा और मिशन है वो बता दिया। ओके सर, सर ये जानना चाहेंगे कि ऐप के बारे में या कोई प्रोडक्ट या पे आउट सिस्टम में 2022 में कुछ चेंजेस होने वाले हैं या फिर ऐप वगैरह लॉन्च होंगे सर, ऐसा कुछ? यस बिल्कुल सर, 2022 भी नहीं सर, मैं अभी गारंटी देता हूँ कि सिर्फ 2 महीने में हमारे स्वामिनी का कम MB वाला मोबाइल ऐप लॉन्च होने वाला है, बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली होने वाला है वो, और वो दिखने में भी जैसे मैंने पहले ही कहा इसका ग्रिड व्यू इतना जबरदस्त दिखेगा कि कोई आप मल्टीनेशनल आप ऐप यूज कर रहे हो ऐसा आपको फीलिंग आए, इतना जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा कंज्यूमिंग है, हमने सॉफ्टवेयर टीम से बात कर लिया है, वो अगस्त महीने तक मेरे हिसाब से वो पूरा हो जाएगा, और उसको एक दिन लगता है इंप्लीमेंट करने में, हम उसको अगस्त महीने के एंड में इंप्लीमेंट करके आप लोगों के सामने उसको लाएंगे। और रही बात की प्लान में कोई चेंजेस करने की, अरे हम स्वामिनी का प्लान ये बैकबोन है, इंडिया का सबसे फेमस प्लान है, आप लोग निश्चिंत रहिए कि इस प्लान में कोई चेंजेस नहीं होगा, कभी भी आपकी बाइनरी कम नहीं की जाएगी, कभी भी ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ा नहीं जाएगा। कुछ लोग मुझे सवाल बोलते थे कि आपने प्लान चेंज कर दिया 1600 का 1680 रुपये कर दिया, लेकिन एक बात यहाँ पे गौर से समझ लीजिए दोस्तों, सभी लीडर लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि वो 80 रुपये जो है वो गवर्नमेंट में चार्ज करें। ओके, पहले GST में सिस्टम क्या रहता था, आप अपने हिसाब से उसको पेड कर सकते थे, अभी स्ट्रिक्टली प्रोडक्ट के ऊपर रूल्स बनाया गया है कि किस प्रोडक्ट को 5% में आना चाहिए, किस प्रोडक्ट को 12% में, किस में 18% में। तो अदर कंपनीज ने इसका फायदा उठा के सभी चीजों को 18% में बढ़ा दिया, लेकिन हमने ओनली जो रूल्स है गवर्नमेंट का उसको फॉलो करते हुए 5% ही अमाउंट बढ़ाया, जो कि अमाउंट 1600 के ऊपर होता है 5 रुपीज, यानी 1680 रुपीज, 1680 रुपीज, और ऊपर का 80 रुपीज वो पूरा गवर्नमेंट को जाएगा। आप कभी भी हमारा GST साइट डाल के उसके ऊपर हमारा पेड किया हुआ GST देख सकते हैं, पूरे लीगल तरीके से हम गवर्नमेंट को GST दे सकते हैं। ओके सर, ओके सर, सर कुछ लोगों का और सवाल आया था कि IDSA और MCA रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैंने सर इसके बारे में हमारे CA जो पूना में हमारे CA से कदम सर इस बारे में बातचीत की है, तो MCA जो है आपको तुरंत ही 2 महीने के अंदर MCA सर्टिफिकेट दिखाएगा, उसकी प्रोसीजर बहुत शॉर्ट है, वो हो जाएगा। लेकिन IDSA
ये यानी इंटरनेशनल वो जो मार्केटिंग का रूल्स है उसमें कंपनी के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसको तकरीबन नवंबर महीने तक हमारी कंपनी आईडीसी में आ जाएगी। क्योंकि उसके लिए क्या है, ये चीजें मैं आपको जानबूझ के बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पूरे इंडिया के 29 स्टेट में जब आपका काम फेल जाता है, अभी स्वामी ने 20 स्टेट में काम कर रहा है और इस ईयर के खत्म होने तक हम पूरे 29 स्टेट में फेल जाएंगे, हर एक स्टेट का फ्रेंचाइजी सर्टिफिकेट हम उसको जोड़ते, तो आईडीसी भी ज्यादा इस पे तक ये नहीं देता और वो जो फॉर्मूला है आईडीसी वाला वो भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, नवंबर एंड तक या फिर 20 साल के एंड तक हमारा आईडीसी सर्टिफिकेट हो जाएगा। लेकिन आप जो एमसीए का बोल रहे वो 2 महीने के अंदर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ओके ओके, यू सो मच सर। और सर लास्ट सवाल, और कि व्हाट मैसेज माय टीम सक्सेस इन स्वामी लाइफ, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी टीम को स्वामी लाइफ में और सक्सेस होने के लिए, मंथली का 1-2 लाख या लग्जरी कार मेंटेन करने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? एक्चुअली सर आपका टीम तो बहुत अच्छा ही काम कर रहा है, फिर भी अगर मैसेज ही चाहिए तो सिर्फ 4 चीजों पे गौर कीजिए दोस्तों। एक तो नारजी ने पहले कहा कि लिस्ट मेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कई लोग बोलते कि मेरे पास लीड्स नहीं, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। 132 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, तो लिस्ट मेकिंग प्रॉपर सर किसी के लिए पहला चीज। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अवॉइड नेगेटिव पीपल्स के साथ कॉन्टेक्ट मत बनेंगे दोस्तों। वो क्या करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको भी निगेटिव करेंगे और आपके पूरे टीम को भी निगेटिव करेंगे। तो इससे बेटर क्या है कि अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति को आपके साथ काम नहीं करना है, प्लान देख के भी वो बार बार निगेटिव बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है उसको टाटा गुड बाय करो, छोड़ दो, निगेटिव व्यक्ति से दूर हो बस। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि शॉर्ट टर्म गोल, जैसे नारद जी ने कहा कि भाई एक शॉर्ट टर्म गोल रखो कि इस महीने में मुझे 10,000 पेमेंट कमाना है, अगले वीक में मुझे 40,000 तक उसको ले जाना है, फिर मुझे एक मोबाइल अच्छा से परचेस करना है, मुझे बाइक परचेस करनी है। शॉर्ट टर्म गोल करो और उस शॉर्ट टर्म गोल को सेलिब्रेट करो दोस्तों। मैं देखता हूँ हमेशा इस टीम मीटिंग हमेशा एंजॉय करती है, अपने इस पैशन को एंजॉय करती है, जुनून के साथ अच्छा लगता है देखने। तो अपने शॉर्ट टर्म गोल अचीव करो, उसको एंजॉय करो। कल ही मैंने स्टेटस देखा था नीरज जी का, उसने एनिवर्सरी पे मॉम डैड के एनिवर्सरी पे उनको गिफ्ट दे दिया। देखिए खुशी होती है कि लोग भाई स्वामी से पैसा कमा रहे, अपने फैमिली के लिए यूज कर रहे, हैप्पी रह रहे, बस यही तो अचीवमेंट है। एमडी सर हमेशा बोलते रहती कि लोग कमाएंगे ये हमारे लिए बड़ा आनंद की गोष्ट है, ओके, आनंद की चीज है। लोगों को कमाना चाहिए पैसा, तब जाके कंपनी खुश रहेगा, कंपनी हैप्पी रहेगा। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डुप्लीकेशन। नारद जी ने जैसे क्या किया, पहले खुद सेट हो गए, अच्छा खासा उन्होंने नॉलेज ले लिया, फिर बाकी टीम को रेडी कर दिया। अभी बाकी टीम को भी काम क्या करना है कि डुप्लीकेशन टीम में करना। अपने जैसे बहुत सारे मेंबर ऐसे बनाने हैं, अगर मैं दिन में 2 आईडी 3 आईडी 50 आईडी 100 आईडी लाता हूँ तो मेरे जैसा ही बंदा मेरी टीम में 100 आईडी लाता, तो डुप्लीकेशन क्लियर होनी चाहिए। 4 चीजें ध्यान में रखिए, लिस्ट मेकिंग, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने में प्रयास कीजिए, और चौथा जो है डुप्लीकेशन रहिए। ओके दोस्तों, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी जानकारी आज हमारे एसएमबी सिस्टम को, एसएमबी टीम पार्टनर्स को, स्वामी लाइफ के जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको दिए, बहुत ही अच्छा लगा सर। ए टू जेड जो सवाल हमारे टीम पार्टनर्स से, जो सवाल मेरा भी था वो आपने क्लियर कर दिया। और